वेलकम टू स्टैंडर्ड्स। हाय, आई एम बिलाल सर, एंड आज हमें एक्सरसाइज 8.5 का पार्टनर 6 करना है। दैट्स द अंडर रूट 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टैन ए। नाउ द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज अंडर रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए, मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय अंडर रूट, यहां पर 1 माइनस साइन ए तो 1 प्लस साइन ए बाय रेशनलाइजेशन मेथड। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए इंट 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए इंट 1 प्लस साइन ए, इट मीन्स दैट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। Divide by 1 minus sin a, 1 plus sin a. It is the a squared minus b squared is equal to a plus b, a minus b. A minus b, a plus b, वो किसके बराबर होता है? A squared minus b squared. 1 minus sin squared a. Or we know that sin squared a plus cos square a is 1 के बराबर होता है। cos square a 1 minus sin square a, 1 minus sin square a, which implies 1 plus sin a का whole square divided by 1 minus sin square a के बदले में लिखूंगा यहां पर cos square a, cos square which implies under root 1 plus sin a divided by cos a ka whole square, and this square and square root is cancelled, here we get 1 plus sin a divided by cos a. Now 1 plus sin a, 1 plus sin a divided by cos a, kyunki ये डिवाइड है 1 को भी है, कॉस से 1 को भी डिवाइड है और साइन ए को भी डिवाइड है, तो मैं यहां पर लिख रहा अलग अलग, यहां पर 1 बाय साइन 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए। 1 बाय कॉस ए किसके बराबर होता है? सेक ए। साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए वो किसके बराबर? टैन ए। दिस इज द प्रूफ। Therefore, left hand side is equal to right hand side, and this is the solution of the part 6th. Now the standard form, that is sin theta minus 2 sin cube theta divided by cos cube theta minus cos theta equals tan theta. Now the left hand side, that is the sin theta minus 2 sin cube theta divided by 2 cos cube theta minus sin theta. मैं यहां पर sin theta common निकालूंगा, numerator में मैं sin theta common निकालूंगा, that is just sin theta, तो यहां पर बचता है 1 minus 2 sin square theta, और denominator में common निकालूं मैं cos theta, यहां बन जाता है 2 cos square theta minus 1. Now, sin theta divided by cos theta into, that is 1 minus 2 sin square theta plus cos square theta, 1 ke barabar, sin square theta is equal to 1 minus cos square theta. Sin square ke badle mein likhunga yahan par 1
माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा दैट इज टेन थीटा, वन माइनस टू इंटू वन हो गया माइनस टू माइनस माइनस स्क्वायर प्लस दैट इज टू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, नेक्स्ट स्टेप दैट इज टेन थीटा, दो में से मैं एक उतार दूंगा यहां पर माइनस है तो यहां पर बन जाता है टू कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस टू में से हमें पॉजिटिव एक उतारना है तो वहां बच जाता है माइनस वन दैट इज टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन डिवाइड बाय टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन एंड दिस इज कैंसल्ड एंड वी गेट टेन थीटा, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड दिस इज सॉल्यूशन ऑफ द पार्ट सेवन। नाउ द पार्ट एट, मैं यहां पर लूंगा लेफ्ट हैंड साइड दैट इज द साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वी नो दैट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर है यहां पर दैट इज द साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस टू कॉस ए सेक ए, वी नो साइन ए और कॉसेक ए किसके बराबर होता है, वन के बराबर, कॉस ए और सेक ए किसके बराबर होता है, वन के बराबर, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, साइन ए कोस के किसके बराबर होता है, वन, टू इंटू वन दैट इज टू, और कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, टू कोस के और सेक ए किसके बराबर होता है, वन के बराबर है, तो टू इंटू वन दैट इज टू। अब मैं साइन स्क्वायर और कॉस को मैं यहां पर लाऊंगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस और कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है वन प्लस कॉस स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर किसके बराबर होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए, इसके पे मैं लिखूंगा यहां पर 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर ए के वैल्यू लिखूंगा यहां पर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 यहां पर, ये यहां पर 2 है प्लस 2, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर वन के बराबर होता है और यहां पर भी वन प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस टू प्लस वन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस टू, वन प्लस वन टू, टू प्लस टू फोर, फोर प्लस वन फाइव, फाइव प्लस टू हो गई सेवन दैट इज सेवन प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। मैं यहां पर एक बार रिपीट करूंगा, यहां पर है साइन स्क्वायर ए और यहां पर है कॉस स्क्वायर ए, मैंने यहां पर कॉस स्क्वायर ए को मैंने आगे लाया,
ताकि मैंने यहाँ पर फॉर्मूला बनाया, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को मैंने चेंज किया, कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 को मैंने ऐसे लिखा, और सेक स्क्वायर ए को किसके मैंने चेंज किया, यहाँ पर मैंने इसके बदले लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर और प्लस 2 को मैंने ऐसे लिखा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर हो गया 1, और फिर मैंने 1 लिखा, फिर कॉट स्क्वायर ए को मैंने ऐसे लिखा, 2 को भी मैंने ऐसे लिखा, 1 को भी मैंने ऐसे लिखा, टेन स्क्वायर ए को भी मैंने ऐसे लिखा, फिर प्लस 2, फिर मैंने यहाँ पर 1 प्लस 1 हो गया 2, 2 प्लस 2 हो गया 4, 4 प्लस 1 हो गया 5, 5 प्लस 2 हो गया 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, एंड दिस इज प्रूव्ड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसके एक्सरसाइज के 2 पार्ट्स रह गए, ये वो आपके लिए होमवर्क हैं, और इसी की वजह से हमारा जो यूनिट है वो खत्म हो गया। अब हमें नया यूनिट दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करनी है। ओके, थैंक्स।